तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, ठीक। अब परसेंट का सेल एड्रेस क्या है, के वाला कॉलम है और 5 नंबर की रो है, तो क्या टाइप करेंगे आप, K5। तो कीबोर्ड से के लिख देंगे और 5 लिख देंगे, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल करेंगे 45, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड सेकेंड, और सबके साथ इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब आपको पता है 45 के बराबर हो या 45 से ज्यादा हो और 60 से कम हो तो कौन सी डिवीजन रहती है आपकी, सेकेंड। फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रेकेट ओपन करेंगे, फिर से आप परसेंट का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आप लिखेंगे थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। 33 या 33 से ज्यादा होगा थर्ड डिवीजन आ जाएगी। फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और आप लिख देंगे फेल, ठीक है। अगर 33 से कम आएगी ना किसी की परसेंट, तो डायरेक्ट फेल हो जाएगा आपका। इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे। अब आपने ब्रेकेट कितनी बार क्लोज किया है, 1 2 3, 3 बार क्लोज करेंगे, 1 2 3, और एंटर कर देंगे। आ गई यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, और आप इस डॉट पर जाकर इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो इनकी सेकंड आई है, क्यों, क्योंकि 60 से कम है। अगर आप इनकी और भी ज्यादा परसेंटेज कम कर देंगे ना, तो देखिए थर्ड आ गई इनकी, क्योंकि 35 है 35, तो 33 से ज्यादा है। और अगर आप 33 से कम करते हैं इनकी परसेंट, देखिए 29 से तो फेल हो गया वो, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, ग्रेड। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यही सेम रह रही है सभी में, वही है। इसमें हाँ, इसमें ए ग्रेड आएगी, बी ग्रेड आएगी, फॉर्मूला सेम आपका यही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आप इसमें परसेंट का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। आपने इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट लिखा था डिवीजन में, इसमें आप ए लिख देंगे क्योंकि आप ग्रेड निकाल रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर आप कॉमा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आप परसेंट का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, नहीं आया क्वेश्चन मार्क आया, ग्रेटर देन इक्वल 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या दे देंगे आप, बी ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर आप कॉमा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आप यहाँ पे परसेंट का सेल एड्रेस लेंगे, तो K5 टाइप कर देते हैं अपन, ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे देंगे सी ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और फिर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, और यहाँ पे फेल लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। आपने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे ए ग्रेड है इनकी। अब आप इस डॉट पर जाएंगे और इनकी बी सी जिसके बीच में जाएगी वो आ जाएगी, आ जाएगा, दोनों में सेम है, बस इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, इसमें एबीसी लिखना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका सप्ली। अरे सप्ली, सप्ली निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहता है, इक्वल करेंगे आप काउंट, COUNT, काउंट लिखेंगे, फिर IFF लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला बता रहा है, इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट करके टैप भी कर देंगे आप, तो वो एक्टिवेट मतलब अप्लाई हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वो रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे किसकी, सब्जेक्ट्स की, क्योंकि सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तभी अपनी सप्ली आती है। फिर आप कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे आप, और लेस देन देंगे, और यहाँ पर 33 देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रेकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, आपने जिसका सेल एड्रेस लिया है उस सेल में, लेस देन का मतलब क्या होता है, कम, किस वैल्यू को इससे कम, 33। अगर आपके जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट में वो 33 से कम आते हैं तो उसमें आपकी सप्ली आ जाएगी। अब हम इस डॉट पे जाते हैं, उसको ड्रैग कर देते हैं, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, किसी की सप्ली नहीं है। अब जैसे अपन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये 38 है, इसे अपन 32 कर देते हैं, तो 33 से कम है ये मार्क्स आपके। बाहर कहीं क्लिक करें तो आप देखेंगे एक सप्ली बता दी उसने, तो
ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल आएगा यहाँ पे रिजल्ट, कितनी पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं। रिजल्ट रिजल्ट निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे, इफ टाइप की करेंगे, इसमें सप्ली का सेल एड्रेस लेना है आपको, ठीक है। इक्वल 00 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, इफ मतलब यदि जिसका आपने सेल एड्रेस लिया उस सेल में जीरो रहेगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर आप कॉमा देंगे इफ, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे टैप भी करेंगे, फिर से आप किसका सेल एड्रेस लेंगे यहाँ पे सप्ली का, तो एन 5। फिर आप यहाँ पे लेस देन लगाएंगे 3 दे देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे सप्ली। इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जिसका आपने सेल एड्रेस लिया उस सेल में अगर 3, लेस देन का मतलब क्या होता है कम, 3 से अगर कम रहे, ऐसे यहाँ पे 1 है 3 से कम है, तो यहाँ पे सप्ली लिखा हुआ आएगा, मतलब उसका सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आ जाएगी उसमें उस पर्सन की, और 3 होगा तो फेल हो जाएगा डायरेक्ट, वो 2 तक उसकी सप्ली आ जाएगी, तीसरे में वो फेल हो जाएगा अगर 3 में आती है तो। फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे फेल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रेकेट क्लोज करेंगे, सीआर ओपन किया और एंटर करेंगे। देखिए ये तो पास आ रहा है, और आप यहाँ पे जाएंगे नीचे वाले में, देखिए सप्ली बता रहा है। अब आप जैसे इसके भी और यहाँ पे 22 कर दीजिए, तो 2 सब्जेक्ट में सप्ली बता रहा है। अब आप यहाँ पे एक और सब्जेक्ट में जैसे ही कम करेंगे तो डायरेक्ट फेल बता देगा आपका, क्यों, क्योंकि आपने 3 से कम वैल्यू ली थी वहां आ जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर लेती हैं, मार्क्स भी बना लेती हैं ये। हाँ अपन यहाँ पे फिर से ऑल बॉर्डर कर देते हैं थोड़ा, और इसका अपन फॉन्ट स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। एक मिनट पहले हम थोड़ा कलर कर दे तो अच्छी लगेगी, फिर आप फोटो लेंगे ना तो अच्छा आएगा उसमें। क्या ठीक है इसका डिवीजन ये रहा, अपन क्या कर देते हैं कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, तो ये जो अपना बिल बना हुआ था ना उसी में आप ये सेव हो जाएगी, तो अपन बार बार सेव करने की जरूरत नहीं रहेगी। रिजल्ट कहाँ है ये, ठीक है।